ghamasan.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को केदारनाथ दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में केदारनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही यहां नई बनी गुफा में ध्यान भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री केदारनाथ में आने के बाद गुफा में ध्यान करने जाएंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और SPG केदारनाथ ने PM की तैयारियों में जुटी हुई है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है, जबकि मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर बनी ध्यान गुफा की ऊंचाई करीब 12,250 फीट है। केदारनाथ के विकास का जिम्मा संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने ही केदारनाथ में गुफा बनाने के निर्देश दिए थे। बीते साल बनी गुफा का संचालन इस साल से विधिवत शुरू हो गया। इस साल महाराष्ट्र के जय शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में रुकने वाले दूसरे मेहमान होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचने के बाद शाम को गुफा में मेडिटेशन करेंगे, इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी बीच खबर है कि जिस हेलीपैड पर उनका चॉपर उतरेगा वो अभी तैयार नहीं हुआ है। ये खुलासा तब हुआ जब महानिदेशालय के अफसरों ने केदारनाथ हेलीपैड का निरीक्षण किया। अफसरों ने पाया कि हेलीपैड पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके अलावा हेलीपैड पर विंड सोक भी नहीं लगा मिला, जिससे पायलट को हवा की दिशा पता चलती है। पीएम मोदी ने पहले SPG जिलाधिकारी SP ने भी बुधवार को गुफा का निरीक्षण किया। हालांकि गुफा में सभी जरूरी इंतजाम है, किंतु पीएम के दौरे को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम गुफा में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं जुटाने में लगा है। इधर लोकसभा चुनाव की भागदौड़ के बाद पीएम एक और बाबा से जीत का आशीर्वाद लेंगे, वहीं हिमालय की गुफा में ध्यान कर मन को आध्यात्मिक शांति देंगे। बता दें कि आखिरी चरण में 19 मई को पीएम मोदी की वाराणसी सीट सहित कुल 59 लोकसभा सीटों पर रविवार को 19 मई को वोटिंग होनी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।